ये आ गया रायमा। असल में बनाई जाए दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हैं और अपने घरों में स्वस्थ हैं। सो हम आ चुके हैं केवल वैष्णो ढाबा में, जहाँ पर भाई बहुत ही ज़बरदस्त थाली चल रही है, आजकल वायरल चल रही है। तो लोकेशन की बात करूँ तो रेडिसन होटल जम्मू में बिल्कुल उसी के अपोजिट आती है लोकेशन, केवल वैष्णो ढाबा। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो ये है इनका यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेटअप बनता है। और अंदर की लोकेशन की बात करें तो ये है पूरी प्रॉपर लोकेशन, यहाँ पर बैठने की सीटिंग पूरी प्रॉपर बनाई गई है यहाँ पे। सो देख सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो आइटम है वो है लच्छा नान, जो सिर्फ हमें 70 रुपीज़ में पड़ा। तो ये जो स्पेशलिटी इनकी ये है कि ये यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं करते, चाहे वो कुछ भी बनाए। तो यहाँ पर आटा यूज़ किया जाता है, वो बहुत बढ़िया बात है हमारे जम्मू में। सो आप इसकी मेकिंग इंजॉय करो। हमारी जो दूसरी आइटम है वो है आलू वाले नान, जो सिर्फ 40 रुपीज़ में हमें पड़ा। तो हमने सोचा ये भी आपको खाकर बता देते हैं। तो इसकी मेकिंग हो रही है फिलहाल, आप इंजॉय करो। तो दोस्तों, अभी ये सारी इनकी सब्जियां हमें चेक करवा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई इनके चने चेक करो, कितने गाढ़े चने भाई, कितने फ्रेश लग रहे हैं। और ये भाई अपने भद्रवाही राजमा आगे सबसे फेमस राजमा है यहाँ के भाई, जिसमें भर भर के देसी घी डाला जाता है। मोस्टली क्या है, सब में डालते हैं पर भाई। और साथ में इसकी बात करूँ तो भाई ये गट्टे की सब्जी है, जो गुजराती डिश है, जो जम्मू में तो नहीं मिलती भाई फिलहाल, और यहाँ पर सर्व हो रही है। और बाकी यहाँ पर बात करें तो चावल भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, चावल भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारी लच्छे नान की प्लेट लगने जा रही है। तो सबसे पहले सारी सब्जियाँ बीच में डाल दी गई हैं, जो हमने सबसे पहले आपको बता दी थी। तो अब आगे इनका प्याज और चटनी। तो अब आगे भाई गेम चेंजर देसी घी, ये देखिए भाई देसी घी क्वांटिटी कैसे डाली जा रही है, ठीक है। सो फाइनली हमारा लच्छा नान आ गया है, जिसको भाई देसी घी लगाया जा रहा है। जिस तरीके से देखिए भाई, अभी ही मेरे मुंह में पानी आ चुका है। तो ये हमें जो प्लेट है सिर्फ 70 रुपीज़ में पड़ी है। तो ये भी खा के आपको बताने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो अगर आप भी ये इंजॉय करना चाहते हैं तो केवल ढाबे में आना है आपने, नरवाल वाली साइड, रेडिसन ब्लू होटल के बिल्कुल अपोजिट ये ढाबा है। सो अभी बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ देखना बाकी है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड प्लेट लगाई जा रही है। सबसे पहले गट्टे की सब्जी आ गई, गुजरात की सबसे फेमस सब्जी, फिर हमारे जम्मू के भाई फेमस राजमा और चने, ठीक है। और हमारी दोनों प्लेटें यहाँ पे हमारे लिए तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पर भाई इनके गेम चेंजर भाई प्याज आ गया और चटनी, और भाई देसी घी चेक करो यार, क्वांटिटी चेक करो भाई, किस तरीके से डाल रहे थे भैया हैं, है ना। तो यहाँ पे भाई स्पून डाल दिया है। और यहाँ पे अभी हमारा आएगा भाई आटे वाला नान, और लच्छे वाली की जो है हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। और भाई ये आटे वाला नान का साइज़ चेक करो, सिर्फ 40 रुपीज़ में भाई बहुत वर्थ है। अगर आप कभी भी आते हैं ना भाई, ये दोनों चीज़ें खाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही है यार ये। यहाँ पे हमारा जो लच्छा परांठा हमने ऑर्डर किया था वो तो आ चुका है। सो सबसे पहले आपको क्लोजअप बता देंगे कि लच्छा परांठा किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले भाई इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये मैदे का नहीं बना होता, आटे का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे गट्टे की हमें सब्जी दी गई होती है, जो बेसन से रेडी हुई थी, गुजराती डिश है। और आगे सेकेंड में राजमा, जिसमें भाई ओवरलोडेड देसी घी डाला हुआ है। एंड थर्ड आइटम जो है वो है अपने चने, ठीक है। बाकी हमें जो सैलेड बीच में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इसकी बाइट जो है हम फटाफट से रेडी कर लेते हैं प्यारी से, क्योंकि भाई मुंह में आ रहा है पानी, और काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि खाऊं और आज हमें टाइम मिल गया। सो भाई प्यारी सी बाइट ले ली है। तो राजमा के साथ चेक करते हैं। ओहो चेक करो, बाइट मैंने बहुत बड़ी बना ली है, अभी आ रहा है मुंह में पानी, तो ट्राई करते हैं। वाह भाई साहब, आई हैव नो वर्ड्स, बहुत बढ़िया बना हुआ है राजमा। सिर्फ नॉर्मल चेक करता हूँ ऐसे खा के भाई, ये चेक करो यार, देसी घी कैसे तैर रहा है।
भाई साहब जबरदस्त है। जिसने भी हमें रिकमेंड किया था ना भाई, उनका वीडियो में थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, बहुत बेहतरीन है। जम्मू में कभी भी आ रहे हैं तो लच्छा परांठा की प्लेट यहाँ पे ट्राई करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ 70 रुपीज में है। और मेन चीज क्या है, आटे की बनी हुई है, ठीक है, मैदे का नहीं है। और ये हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, जब भी आप जम्मू में आते हैं तो आप ये चीज जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रही कहीं में जाइए, अभी और एक चीज आपको बताना बाकी। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे, वो था हमने भाई नान यहाँ पे मंगवा लिया हुआ है, जो सेम है आपको बताऊंगा ही होता है, मैदे का नहीं होता है। तो मात्र 40 रुपए में, पहले सबसे पहले आप क्वांटिटी चेक करो प्लेट की। सबसे पहले हमने राजमा दिए गए हुए हैं जिसमें ओवरलोड देसी घी डाला हुआ है, और साथ में जो सेकंड ऑप्शन है वो अपने पास है चने एंड गट्टे की सब्जी यहाँ पर भी दी गई है। मतलब तीन सब्जी यहाँ पे कंपलसरी आती आती है। और नान का अगर साइज बताएं तो 9 नान भाई बहुत बड़ा है, चेक करो, ठीक है। बाकी तो ये हमें भाई दी हुई है प्याज, इससे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन जाता है। तो सबसे पहले ना इसकी मैं बाइट बना लेता हूँ। तो ये बना ली बाइट भाई। मेन चीज़ क्या है ना, मैं ना जम्मू में ढूंढ रहा था कि यार आटे का ना मुझे नान मिल नहीं रहा था कहीं पे, तो भाई फाइनली आज मिल गया। तो इसकी बाइट मैंने बना ली है राजमा के साथ। सो लेट्स डू दिस, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। जैसा वीडियो में सुन रहा था वैसा बिल्कुल सेम है भाई साहब, इनक्रेडिबल। इसके सारे मुझे भी लग रहा ना, सब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनाया हुआ उनको। सो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि 40 रुपीज में काफी वर्थ है। तो जब भी जम्मू आते हैं ये चीज खाना मत भूलिए। अभी यहाँ पर मिक्स थाली लगने जा रही है, तो भाई जो ट्रेंडिंग चल रही थी बहुत ज्यादा, तो चलिए चेक करते हैं। इनके राजमा देख के बार बार मुंह में भाई पानी आ रहा है। ये आगे छोले व्हाइट, और ये आगे इनके व्हाइट चने जो बहुत बेहतरीन थे। और घी तो भाई ओवरलोडेड है भाई, खुला खिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं ना खुला खिलाते हैं ये। ना जाने की चल रही है, ये डाली जा रही है भाई अनारदाने की चटनी। भाई देखिए बर्फ का पीस डाला हुआ बहुत बड़ा, भाई चटनी ठंडी हो जाती है प्रॉपर। तो यहाँ पे भाई बहुत सही सीन है, मजा ही आ गया यार मुझे खा के। मिक्स थाली 80 रुपए की बताई जा, ये चावल नहीं लेने, चार रोटी आएगी 80 रुपए की, सब्जी साथ में सब कुछ। लच्छा परोठा आएगा, एक लच्छा परोठा आएगा, तीन सब्जी आएगी, घी डाल के 70 रुपए का आएगा, गुजराती 70 रुपए का, तो गुजराती नान होता है वो लग गया, वो भी 70 रुपए, एक नान 70 रुपए का, तीन सब्जी आएगी साथ में, घी डाल के, घी तर उतर होगा, घी में डोब के दे देंगे पूरा। पनीर भुर्जी आएगी 150 की मिल जाएगी, 100 भी मिल जाएगी, मतलब दो खा लेते, दो बंदे आराम से खा लेते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है पनीर भुर्जी की, तो भाई पनीर भुर्जी खाना तो फिर बनता था। तो हमने भैया को बोल दिया कि भैया हमारे लिए भी जो है पनीर भुर्जी आप फटाफट से लगा दो, तो भैया हो गए रेडी। अब यहाँ पर प्याज को बिल्कुल प्रॉपर भुना जाएगा जब तक प्याज लाल नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी रेड शेड आ गई है प्याज में, तो भाई आगे बहुत मजा आने वाला, वीडियो पूरी देखकर जाइयो, ठीक है, थोड़ी भी मिस मत करना। प्याज पूरे रेड होने के बाद बीच में आ गए भाई टमाटर, और देखो भाई हम यहाँ पे भाई सामने वीडियो बना रहे थे और भाई इतनी अच्छी वाली फ्रेगनेंस आ रही थी ना, मन कर रहा था भाई ये कच्चा मसाला ही खा जाए, इतनी ज़बरदस्त भाई खुशबू, मैं क्या बताऊँ आपको भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि भाई इतना ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। तो भाई ये देखिए इन्होंने अभी स्पेशल मसाले अपने बीच में ऐड किए हैं, जिसकी वजह से और ये मसाला गाढ़ा हो चुका है, और भाई इतनी आइटमें डाल रहे थे, ये देखो भाई इनका स्पेशल मसाला और डाल दिया भाई इन्होंने ऊपर से, ठीक है। बाकी इस मसाले की वजह से भाई इतना ज़बरदस्त टेस्ट मिला ना, मतलब मैं तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये ऐसी आपको पनीर की भुर्जी कहीं नहीं मिलने वाली जिस तरीके के यहाँ पे सर्व हो रही है केवल वैष्णो ढाबा में। दोस्तों यहीं से देख के भाई मुझे मुंह में पानी आ गया था, और आपको भी मुझे पता है पानी आ रहा होगा भाई। तो भाई अगर पानी आ रहा ना
तो भाई यहाँ पे आपने पहुँचना और ये पनीर भुर्जी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर अभी तक आप जम्मू में हैं तो आपने यहाँ पर आके पनीर भुर्जी वाली ट्राई नहीं की है तो भाई ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे स्पेशलिटी देखो भाई, दूध डाला जाता है पनीर की भुर्जी में भाई, इतना कुछ डाल दिया ना बीच में, अभी लास्ट में कस्तूरी मेथी डाली और फाइनली ये पनीर की भुर्जी हो चुकी है रेडी। तो भाई हमने यहाँ पर 4 की 4 आइटमें जो हैं ऑर्डर करी थी और वो थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली है, बाकी हमारे जो अपने टीम मेंबर्स थे सभी ने डिवाइड करके खा लिया। अभी जो एक और नेक्स्ट आइटम आने वाली है वो भाई बड़ी यूनिक आने वाली है, तो उसी के लिए हो जाइए आप रेडी। सो वीडियो लास्ट तक देखना भाई। जो सुन सुन बनी थी ना, 50 रुपए की एक रोटी की, दो की आएगी 100 रुपए की, 50 रुपए की मिलती है एक रोटी की प्लेट, ये भी आप जो लच्छे परौंठे की खानी है वो 100 रुपए की एक आएगी, लच्छे परौंठे की भी बनती है। हाँ जी। सो दोस्तों ये था हमारा केवल वैष्णो ढाबे का लास्ट टूर, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीजें खा के बताई हैं। सो हमारा जो रिव्यू है बहुत ही बढ़िया रहा। सो अगर आप भी कभी जम्मू आते हैं सो यहाँ पर आना मत भूलिएगा। लोकेशन काफ़ी इजी है, रेडिसन ब्लू के बिल्कुल अपोजिट केवल वैष्णो ढाबा। सो विजिट कीजिए, यहाँ पर हर एक चीज़ें तो यहाँ पे सर्व हो रही हैं और बहुत बेस्ट सर्व हो रहा है। सो ठीक है, फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो नई नई लोकेशन ढूंढ के लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।